जयपुर। जोधपुर की पूर्व सांसद मारवाड़ राजवंश की राजमाता कृष्णा कुमारी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे 92 साल की थी। सोमवार रात को हार्ट अटैक आने पर उन्हें जोधपुर के गोयल अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उम्मीद भवन में उनकी पार्थिव देह लोगों के दर्शनार्थ रखी गई है। शाम 4 बजे जसवंत थड़ा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कृष्णा कुमारी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें जन नेता बताया और कहा कि उन्होंने जोधपुर को बहुत प्यार दिया है। कृष्णा कुमारी मारवाड़ के महाराजा हनवंत सिंह की पत्नी थी। वे गुजरात के द्रांगध्रा राजघराने की राजकुमारी थी। हनवंत सिंह और कृष्णा कुमारी के 3 संतानें हुई। चंद्रेश कुमारी, शैलेश कुमारी और गज सिंह उनकी संतानें हैं। राजमाता के निधन से मारवाड़ राजघराने व शुभचिंतकों में शोक है। हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए उम्मीद भवन पहुंच रहे हैं। कृष्णा कुमारी का जोधपुर और यहां की जनता से अंत तक अपनायत का गहरा रिश्ता रहा। वे महल में शहर की महिलाओं को बुलवाती थीं और उनके साथ बैठकर शहर, विकास कार्यों, बदलाव और महिलाओं के बारे में बात करती थी। कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी होने से जनता से सीधा लगाव रहा। कृष्णा कुमारी राजपरिवार की 5 पीढ़ियों की साक्षी रहीं। विवाह के वक्त तत्कालीन मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह थे। उनके बाद हनवंत सिंह महाराजा बने। बतौर बहू वे 1943 में जोधपुर आई। 1952 में हनवंत सिंह के विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद राजमाता ने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। उनके निधन के बाद कृष्णा कुमारी के पुत्र गज सिंह महाराज बने। बेटे के बेहतर भविष्य के लिए छोटी उम्र में ही गज सिंह को विदेश भेजने में नहीं हिचकिचाए। उन्होंने हनवंत सिंह की दूसरी पत्नी जुबैदा के बेटे हुकम सिंह उर्फ टूटूबन्ना को भी वही ममत्व सुख दिया जो सगे बेटे गज सिंह को दिया। उन्होंने 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। जनता के भरपूर समर्थन से वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर आई। पूर्व राजमाता ने घूंघट प्रथा को हटाने की मुहिम भी छेड़ी। उन्होंने महिलाओं को पर्दे से बाहर आने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भरपूर कार्य किए। आज उनके निधन से एक युग खत्म हो गया है। हर कोई उनके निधन से दुखी दिख रहा है।